आपके पास और कुछ और तस्वीरें आपके जरिए देखेंगे, लेकिन अरब सागर से उठा तूफान गुजरात के बाद राजस्थान में पहुंचकर अब कहर मचा रहा है। आइए इस वक्त आपको दिखाते हैं कि तूफान का रूट क्या है और आगे इसका रूट कैसे रहने वाला है। तो देखिए, ग्राफिकली हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अब विपोर जॉय का जो रूट है वो बदल रहा है। रीमा, बिल्कुल, बाड़मेर, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक पाली, ये वो रूट है जहां विपुल जॉय का खतरा मंडरा रहा है और ये सब जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो अभी जो ये तूफान है वो सवाई माधोपुर के पास पहुंचा है, लेकिन अगले कुछ घंटों में वहां से भी आगे निकल जाएगा। शुरुआत इसकी कहां से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, इनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा है और फिलहाल ये सवाई माधोपुर के इलाके में है और इसीलिए वहां जो एरिया आप देख रहे हैं वहां अभी इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अचानक वहां पर पानी का स्तर जो है वो बढ़ गया है, सैलाब आ गया है, नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। तो अरब सागर से उठा और उसके बाद गुजरात पहुंचा। गुजरात के कई इलाकों में आपने देखा कि किस तरीके से तेज हवाएं चली, तूफानी हवाएं चली, वहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद अब देखिए राजस्थान की तरफ जो है उसने रूट बदला। ये देखिए 6 जून को जिस तरीके से विपोर जॉय आया उसके बाद रूट बदलते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए बाड़मेर, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो फिलहाल जो है प्रभावित नजर आ रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यानी कि 24 घंटे राजस्थान के लिए और ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। तो मैप में ही हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जोधपुर बाड़मेर का इलाका है वो पाकिस्तान से बेहद सटा हुआ, बेहद करीब इलाका और हो सकता है कि इसके वजह से भी उसका असर हो रहा है। गुजरात राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर में भी महातूफान का असर इस वक्त दिखना शुरू। तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पर बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए। जगह जगह जलभराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, तो वहीं महातूफान के चलते एक स्कूटर तारों के बीच में फंस गया। देखिए ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई है जहां पर तूफान की वजह से तेज हवा के साथ वहां बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियां जो है वो थमती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो गया है लेकिन यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ये तमाम इलाके जो हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर तेज हवाएं भी चल रही हैं, जल भराव भी कई जगह देखने को मिल रहा है। जम्मू में तूफान का कहर, बाढ़ की मार, मुसीबतें हजार। जम्मू कश्मीर के मेंढर में पानी का प्रहार, विपोरजॉय तूफान गुजरात में कहर बरपाने के बाद राजस्थान की ओर बढ़ा। विपोरजॉय के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है, तो अब तूफान का साइड इफेक्ट जम्मू कश्मीर पर भी देखने को मिला। जम्मू पर महातूफान की मार साफ देखने को मिली। वहां से सामने आई तस्वीर डराने वाली थी। महातूफान की वजह से एक सलून के बाहर खड़ी स्कूटी उड़कर बिजली के खंभे पर जाकर फंस गई। सभी लोग स्कूटी को खंभे पर लटकी देख हैरान दिखे। तो उधर जम्मू कश्मीर में बरस रहे बादलों ने मेंढर समेत कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेंढर के सखी मैदान इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा और एक ट्रक नदी में आई बाढ़ के बीच पलट गया। आलम यह रहा कि ट्रक का आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, बाकी हिस्सा पानी में डूब गया। गनीमत यह रही कि ट्रक के ड्राइवर को लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि नदी में बाढ़ आने की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जैम लग गया। सैकड़ों गाड़ियां नदी के पानी के उतरने का इंतजार करती दिखी। इतना ही नहीं, मेंढर प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की और साथ ही किसी इमरजेंसी में पुलिस से संपर्क करने को कहा। जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से तवी नदी के किनारे लोगों को न जाने की हिदायत प्रशासन की ओर से दी गई। पानी का बहाव बढ़ता देखकर लोगों से अपने मकान तुरंत खाली करने को भी कहा गया है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।
बिफोर जॉय का असर अब राजस्थान में किस तरह से दिखाई दे रहा है, लगातार दर्शकों तक हमें ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए। यहाँ पर सांचौर में राजस्थान के हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से अब कुछ ऐसे रास्ते हैं जो धीरे धीरे खुलते दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले चार दिनों से पूरी तरह से लोगों का कहना है कि बंद थे। अभी भी चार दिनों से यहाँ बिजली नहीं है पूरे इलाकों में, लेकिन जब पानी का स्तर कम हो रहा है तो कुछ इस तरह से सवारी गाड़ियां आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और इनके जरिए लोग आगे बढ़ करके रास्ता पार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आसपास के दुकानदारों को अगर हमने गौर से देखा तो पता चला कि उनके दुकान में मौजूद सारा सामान डूब चुका था, और ऐसे में जबकि आसपास के इलाके में अब खाने पीने की चीजों की दिक्कतें होने लगी थी, इसके बाद अब आज जब पानी का स्तर कम हुआ है लोगों ने दुकान से कुछ इस तरह से अपने पानी हटाने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये तस्वीरों में देखिए कैसे कुछ लोग वाइपर के जरिए दुकान के भीतर घुसे हुए पानी को बाहर निकालते दिखाई दे रहे हैं। कुछ सामान जो गाड़ियों में लदा हुआ था वो दुकान में नहीं पहुंच पाया और दुकान का खराब सामान वापस गाड़ियों तक पहुंच रहा है। और इस तरीके से यहां पर अभी भी कई लो लाइन इलाके हैं जहां बाढ़ की वजह से और खासतौर पर बांध का पानी पहुंचने की वजह से बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। देश की राजधानी दिल्ली का साउथ कैंपस, वो साउथ कैंपस जहां पर तमाम कॉलेज हैं, गार्गी है, LSR कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज है, वो तमाम कॉलेज जिसमें कि पूरे देश भर से स्टूडेंट्स आते हैं और यहां पर अपने पढ़कर सपने पूरे करने की चाहत रखते हैं, और यही वजह है कि यहां पर पढ़ने को लेकर स्टूडेंट्स में आपाधापी मची रहती है, होड़ मची रहती है। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अब यहाँ के जो छात्र हैं तमाम उनमें डर का माहौल है। दरअसल कल दोपहर 1:30 बजे के करीब एक छात्र की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई, और हत्या बताया जा रहा है इस वजह से की गई है कि उसने एक मित्र को, अपनी दोस्त को छेड़खानी से बचाने की कोशिश की थी। आपको तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते चले कि निखिल चौहान नाम का एक छात्र जो कि SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ाई करता है, और इसी जो आप कॉलेज आर्यभट्ट कॉलेज देख रहे हैं, संडेज को यहाँ पर कॉलेजेस होते हैं, ओपन लर्निंग की क्लासेस लगती हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो रेगुलर मंडे टू सैटरडे लगती है। संडे को वो अपनी महिला मित्र के साथ यहाँ पर खड़ा था, छेड़खानी हुई, और छेड़खानी को लेकर जब निखिल ने बचाने की कोशिश की तो निखिल के साथ मारपीट की गई, और उसके बाद भी जब उन बदमाशों का मन नहीं भरा तो वो कुछ लोगों को और अपने साथ लेकर आए और चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से निखिल की हत्या कर दी। ये वो स्थान है, ये देखिए, ये वो स्पॉट है जहां पर चाकू से गोद कर निखिल की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। ये जो खून के निशान दरअसल आप देख रहे हैं ये पूरे इलाके भर में फैले हुए थे, वहां भी आप देखिए, और ये दरअसल जो खून के निशान हैं वो और ज्यादा थे, लेकिन बारिश होने की वजह से कुछ हद तक ये निशान जो है वो धुल चुके हैं। इस पूरे मामले में दरअसल आपको बताएं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। पुलिस ने दो आरोपियों, राहुल और हारून नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि दो और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं जो महिला मित्र है उसके बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, उस महिला मित्र की ओर से आरोपियों को लेकर क्या कुछ पुलिस से कहा जाता है, इसी खबर पर हम अपडेट के लिए रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी आनंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, जो महिला मित्र है जिसको लेकर ये पूरी लड़ाई हुई और आखिरकार निखिल चौहान की जान चली गई, क्या कोई अपडेट, पुलिस से कोई बातचीत? देखिए अंकिता, जो निखिल है उनकी माँ हमारे साथ है, सफदरजंग अस्पताल पहुंची हुई है, उनका भाई हमारे साथ है, निखिल का जो छोटा भाई है, सीधे जो सोनिया चौहान है उनसे बात करते हैं। मैम, आप को क्या जानकारी मिली थी, और ये लड़की जो है ये वहाँ पर मौजूद थी? वहाँ पर जी, हाँ जी, ये मौजूद थी, ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है ये लड़की, उसको उसने फोन करके बुलाया था उसको निखिल ने, और इस लड़की के आगे ही, उस लड़की के आगे ही चाकू मारे गए, उस लड़की को आगे नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस वालों ने अंदर बिठा रखा है, ना उसे बोलने दिया जा रहा है, और जो लड़का लेके भागा था वो भी उसका दोस्त है, सारे दोस्त उसके बहुत अच्छे हैं। तो सोनिया जी, ये जो लड़की है जी, आपके घर आती जाती थी, इसकी निखिल की दोस्त थी? हाँ जी, वो मेरी बेटे की तरह आती जाती है घर में। और ये क्या मॉडलिंग करते थे दोनों लोग? हाँ जी, दोनों मॉडलिंग करते हैं। तो कल जो घटना हुई है उस दौरान लड़की ने बीच बचाव करा निखिल का? हाँ जी, हाँ जी, उसने ही बीच बचाव, उसको भी चाकू लगते लगते बचाया। क्या बताया उसने आपको? उसके भी पूरे कपड़े खून में लगते। क्या बताया, क्यों हुआ, ये कौन लड़के थे वो? वो कह रही है मैं, हम बैठे हुए थे, एकदम से आ गए, बात करने लगे और एकदम से हाथापाई करने लगे। निखिल ने पहले कभी बताया था कि उसके उसकी दोस्त को लड़के छेड़ रहे हैं या कोई ऐसी घटना? नहीं जी, नहीं, दोनों ही वो बहुत तेज है मॉडलिंग में, है कोई छेड़ नहीं सकता अर्षिता को इतनी जल्दी, वो खुद थप्पड़ उठा के मारने वाली है। अच्छा, हाँ जी। और आपके बेटे को अस्पताल कौन लोग लेके गए थे? मेरे बेटे को उसके दोस्त विराट, मुझे ये पता चला, विराट और शहजान यही लेके गए हैं।
ये आरोपियों को आपका परिवार जानता है, राहुल क्योंकि पढ़ने वाला वहीं का, वो भी छात्र भी है? नहीं जी, कोई नहीं जानता। नहीं जानते? नहीं, कोई बच्चा नहीं जानता मेरा, ना बड़ा ना छोटा। आपको कब सूचना मिली इस घटना की? 12 बजे कल दिन में। कल 3 बजे? नहीं, कल 12 बजे दिन में। तो ये वो 12th क्लास में पढ़ती है ये कॉलेज में, या क्या आपके पड़ोसी है लड़की? नहीं जी, मॉडलिंग करते हैं, इसका मेरे घर आना जाना बहुत है, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की। तो अंकिता देखिए, ये माँ है जो बता रही है कि किस तरह से जो लड़की है वो भी कल मौजूद थी जब निखिल की हत्या की जा रही थी, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, पुलिस ने उसके बयान भी जो है वो लगातार दर्ज किए हैं इस पूरे मामले में। ठीक है, लौटेंगे हम आनंद आपके पास, लेकिन इस बीच की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इस वक्त तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और उन 2 आरोपी गिरफ्तारी के बाद दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि 2 और शख्स हो सकते हैं इस पूरे हत्याकांड में शामिल, उन पर भी पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है और कोशिश ये कर रही है कि उन पर भी शिकंजा कस दिया जाए। अब तक उन 2 आरोपियों की फोटो ही सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी आनंद ने महिला से बात की और साथ साथ निखिल चौहान की जो माँ है उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि निखिल और उसकी दोस्त दरअसल बहुत ही दबंग दिलेर किस्म के थे, उन्हें छेड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद छेड़खानी होती है और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, और दरअसल ये अपडेट पुलिस की ओर से है। पुलिस की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि 2 और आरोपी इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। 2 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें राहुल और हारून नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि 2 और लोगों के शामिल होने का इस पूरे मामले में दावा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, और अब इसी को लेकर पुलिस बहुत ही गहनता के साथ जांच कर रही है। आसपास लगे जो आर्यभट्ट कॉलेज के सीसीटीवी कैमराज हैं उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है, कोशिश इस बात की भी की जा रही है कि जो महिला मित्र साथ में थी उसके बयान दर्ज किए जाए, और दावा इस बात का किया जा रहा है अभी तक जो इनपुट सामने आए हैं वो ये कि महिला मित्र की ओर से जो आरोपी हैं उनकी पहचान भी कर ली गई है। ये इस वक्त तक की अभी तक की बड़ी अपडेट है इस पूरी खबर पर, लेकिन आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। पश्चिम विहार निखिल चौहान का परिवार रहता है, और ऐसे में पिता इस वक्त तक यही बता पाया है कि वो आरोपियों को जानता नहीं है, बेटे की किसी से लड़ाई थी ये तक नहीं जानता है। एक हफ्ते के पहले निखिल चौहान और दूसरे साइड में एक राहुल और यश, ये दोनों ग्रुप के बीच में किसी बात के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़ा की रिवेंज लेने के लिए कल वापस ये राहुल, यश और बाकी लोग थे इसमें आए, और निखिल चौहान के साथ में झगड़ा हुआ, इस वजह से इसकी चाकू भी लगी है। अभी हमने इसमें 2 गिरफ्तार कर लिया है, जो राहुल है और उसके साथ में एक और दोस्त जो एसोसिएट है हारून है, उसको अभी अरेस्ट कर लिया है, बाकी भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, बाकी को भी हम अरेस्ट करेंगे। पर एक बार फिर से आनंद का रुख कर लेंगे। आनंद, आप परिवार के साथ मौजूद हैं, क्या माँ की ओर से कोई कोशिश की गई कि जो महिला मित्र थी उससे इस मर्डर के बाद बातचीत हो सके? देखिए बिल्कुल, उनके भाई भी हमारे साथ हैं निखिल के। आप ये बताइए कि ये राहुल को क्या निखिल पहले से जानते थे, कुछ बताया कि ये थ्रेट कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। थ्रेट वैसे करता नहीं था, वैसे बताया भी नहीं है उसने कभी। अच्छा, और ये जो निखिल की दोस्त थी जो मॉडलिंग करती है, जो घटना स्थल पर मौजूद थी, उन्होंने कुछ बताया कि उन्हें किसी ने पहले थप्पड़ मारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा बताया जा रहा है कि लड़के की लड़ाई थी उसके दोस्त की, उसके बीच में बोला तो ऐसा हुआ है। अच्छा, सोनिया जी, कल वो कॉलेज गया था तो उसने, निखिल ने बुलाया था इसको, अपनी दोस्त को वहाँ पर? हाँ जी, उसने फोन करके बुलाया था। ये कॉलेज खत्म होने के बाद? नहीं, कॉलेज में ही बुलाया था। अच्छा, हाँ जी, वो बता रही है मुझे कि कॉलेज बुलाया था मुझे फोन करके, फिर मैं आता पाई वगैरह हो गई। और ये बताया कि उसको पहले थप्पड़ भी मारा गया था, पुलिस बता रही 11 तारीख को एक राज नाम के जो सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पुलिस अब अपने रोटियां सेक रही है, बस कुछ नहीं कर रही। इनके 3 जने पुलिस वालों के बच्चे हैं उसमें, तीनों, और रात को 3 लड़के पकड़े गए थे, उसमें से इन्होंने एक लड़का फरार कर दिया, 3 लड़कों में से एक लड़का फरार कर दिया इन लोगों ने। लड़की ने मुझे बताया सारे बच्चे जो वहाँ पे थे, मम्मी 3 बच्चे पकड़े गए, 2 का एड्रेस मिल गया है, तो वो 2 बच्चों का एड्रेस जिनका मिला उनको क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने, और वो लड़का कैसे फरार हो गया थाने में से। आपका बेटा मॉडलिंग करता था, उसके एल्बम हमने देखे हैं, आगे उसको करियर में उसकी शौक था मॉडलिंग, लड़की भी मॉडलिंग करती थी, क्या ये झगड़े की वजह ये है क्या? कोई मतलब लड़की को छेड़ रहा था, कुछ बताया उसने दूसरे लड़के क्या उसको? मेरा लड़का मॉडलिंग कैरियर में था, वो सबसे हैंडल करना अच्छे से जानता था, वो सबसे प्यार मोहब्बत से बात करता था, झगड़े वाला लड़का नहीं था। आप मेरे घर में, मेरी गली में पूछो आके उसका बिहेवियर कैसा था,
11 तारीख के कोई झगड़े के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था आपको? नहीं जी, मुझे नहीं बताया। आपको भी, आप भाई हैं कुछ, कि कोई झगड़ा हुआ था लड़की का 11 तारीख? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उसने, ऐसा कुछ नहीं बताया। और आरोपियों को आप लोग बिल्कुल कभी किसी को नहीं जानते, ना हरुण या राहुल या अनिल? जी जानती तो नहीं हूँ, मगर जब वो मिलेंगे तो उनसे मैं पूछूंगी जरूर मेरे बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था। देखिए परिवार इस समय बहुत ज्यादा आहत है, उनका कहना है कि वो आरोपियों को नहीं जानते हैं, लेकिन जो लड़की है वो भी निखिल के साथ मॉडलिंग करती थी, 2 एल्बम इनके आ चुके हैं। और कल निखिल ने ही उस लड़की को कॉलेज के पास बुलाया था, लेकिन वहां पर जो हमलावर आरोपी थे वो भी मौजूद थे, क्योंकि एक छात्र वहीं का पढ़ने वाला है, और उसके बाद उस पे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। लड़की के बयान बताइए, 11 तारीख का भी जिक्र हो रहा है बार बार। जी आनंद, 11 तारीख का भी बार बार जिक्र हो रहा है कि 11 तारीख को भी कुछ इस तरह से लड़ाई हुई थी, क्या क्या मसला है ये 11 तारीख वाला? देखिए ये जो आर्यभट्ट कॉलेज में जो पढ़ाई हो रही थी निखिल की, वो कॉरेस्पॉन्डेंट क्रॉस था अंकिता, तो हर संडे क्लास लगती थी। 11 तारीख को भी बताया जा रहा है कि क्लास लगी थी, उस दौरान लड़की जो है वो वहां पर मौजूद थी, निखिल वहां पर मौजूद था, राहुल वहां पर मौजूद था, और राज नाम का एक शख्स भी बताया जा रहा है। और उस दौरान वहां पर जो राहुल है उसने, जो निखिल की दोस्त है जो मॉडलिंग करती, उसे कोई थप्पड़ मारा किसी बात को लेकर, तब वहां पर राहुल ने निखिल ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उसके बाद ये पूरा मामला आनंद बढ़ गया है। लौटेंगे हम आनंद आपके पास पूरी जानकारी के लिए, लेकिन हमारे तमाम सहयोगियों को, तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं इस खबर को, आपको 5 तस्वीरों के जरिए दरअसल दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम कैसे दिया गया। दरअसल आपको बताएं कि साउथ कैंपस के आर्यभट्ट में, ये जो आर्यभट्ट कॉलेज है, जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी कहानी समझिए इन 4 तस्वीरों के जरिए, कि आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर निखिल चौहान पढ़ने आता है, और उसके बाद SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉलेज में संडेज को क्लासेस लगती है।